नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरिज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूंडई की नई ऑरा और मारुति सुजुकी डिजायर की एक विस्तृत तुलना। वैसे ये गाड़ियां किसी न किसी अवतार में भारतीय मार्केट में काफ़ी समय से मौजूद है और कॉम्पैक्ट सेडान्स होने की वजह से एक दूसरे को टक्कर भी देती है, लेकिन ह्यूंडई एक्सेंट के सेल्स नंबर कभी भी डिजायर के आधे तक भी नहीं पहुँच पाए। इसलिए ह्यूंडई ने नई ऑरा जो का एक्सेंट का फेस लिफ्टेड मॉडल है उससे मार्केट में उतारा है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों सिडान्स में आपके बजट के हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा फीचर्स देती है, किस में आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, किस में ज़्यादा अंदरूनी जगह है, किसका माइलेज अच्छा है, कौन सी गाड़ी से ज़्यादा पावर और टॉर्क मिलता है इत्यादि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और हम इसी वीडियो के फर्स्ट हाफ में आपको ऑरा की ऐसी तीन खूबियाँ दिखाएंगे जो उसे डिज़ायर से बेहतर गाड़ी बनाती है, और तुरंत उसके बाद हम इसी वीडियो में आपको डिज़ायर की भी ऐसी पाँच खूबियाँ बताने वाले हैं जो ऑरा में मौजूद नहीं है। पहली खूबी है पेट्रोल टर्बो चलाने का मज़ा। ऑरा में आपको एक लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। इसका पेट्रोल इंजन जो आपको ज़बरदस्त 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो पेट्रोल डिजायर से 59 न्यूटन मीटर ज़्यादा है, और वह भी सिर्फ 1500 आरपीएम से शुरू होकर 4000 आरपीएम तक मिलता है जो कि डिजायर पेट्रोल से तकरीबन 2700 आरपीएम नीचे मिलता है। इसी वजह से गाड़ी का पिकअप बहुत शानदार महसूस होता है। डिजायर में आपको कोई टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का विकल्प मौजूद नहीं है। डिजायर का वजन कम होने के उसका पेट्रोल टू वेट रेशियो ऑरा से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन फिर भी 0 to 100 की दौड़ को ऑरा सिर्फ 9 सेकंड्स का समय लगाती है, जिसमें डिजायर पेट्रोल को 2 सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं। ऑरा 1.0 टर्बो में आप चाहे तो तीसरे गियर में भी 150 का रफ्तार हासिल कर सकते हैं जो हमें इंडियन स्पोर्ट्स कार यानी पोलो जीटी TSI की याद दिलाता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। 6.5 लाख में ऑन रोड दिल्ली में मिलने वाले वेरिएंट्स और उनके फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको ऑरा ई मैनुअल और डिजायर का एलेक्सा पेट्रोल वेरिएंट मिलता है। ऑरा ई वेरिएंट में आपको ऐसे तीन फीचर मिलते हैं जो आपको डिजायर एलेक्सा में नहीं मिलते, वो है फ्रंट पावर विंडोज, फ्यूल कंप्यूटर और रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। डिजायर एलेक्सा में सिर्फ एक ही ऐसा फीचर मिलता है जो ऑरा ई मॉडल में नहीं मिलता, वो है टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। इस कीमत में मिलने वाले अन्य कॉमन फीचर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पे। वही अगर 7.5 लाख में मिलने वाले वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है ऑरा एस MT पेट्रोल और डिजायर VXI वेरिएंट। यहाँ पे भी ऑरा में आपको 5 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो डिजायर VXI में मौजूद नहीं है, जो है रियर डिफॉगर, डिजायर से एक ज़्यादा पावर आउटलेट मिलके जो पीछे की तरफ मिलता है, फ्रंट फॉग लैम्प्स, LED DRLs, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट। बड़े शर्म की बात है कि डिजायर VXI में एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो ऑरा एस मैनुअल मॉडल में नहीं मिलता। आखिर में 7 to 7.5 लाख के वेरिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको ऑरा का SXO मैनुअल और डिजायर ZXI प्लस मैनुअल वेरिएंट मिल जाता है। इसमें आपको ऑरा में 4 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो डिजायर ZXI प्लस से बेहतर है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, 8 इंच वाला टच स्क्रीन जो डिजायर में 1 इंच छोटा है, वायरलेस मोबाइल चार्जर, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट। वहीं दूसरी ओर डिजायर ZXI प्लस में 3 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो ऑरा में उपलब्ध नहीं है, जिसके ऑटो अप, एंटी प्रिंट डाइवर्स विंडो, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और 2 एडिशनल ट्विटर्स। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक AMT के बारे में। ऑरा और डिजायर दोनों ही गाड़ियों में आपको AMT प्रकार का गेयरबॉक्स मिलता है, लेकिन डिजायर में गियर चेंज हाइड्रोलिक एक्चुएशन से किया जाता है जो कि एक पुराने प्रकार की टेक्नोलॉजी है। वहीं दूसरी ओर ह्यूंडई ऑरा में आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर वाले AMT मिलता है। ये नया इलेक्ट्रॉनिक AMT पुराने हाइड्रोलिक एक्चुएटर वाले AMT से कई गुना ज़्यादा स्मूथ है, और इसके गियर चेंजिंग का रिस्पांस हाइड्रोलिक AMT से काफ़ी तेज़ और स्मूथ है, जिससे चालक को AMT के गियर चेंजिंग के झटके महसूस नहीं होते। हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डिज़ायर के खूबियों के बारे में। बात करते हैं पिकअप की। जिनका बजट 9 लाख से कम है उन्हें ऑरा का बिना टर्बो वाला मॉडल खरीदना पड़ेगा। ह्यूंडई ऑरा पेट्रोल का वजन ज़्यादा होने की वजह से मारुति सुजुकी डिजायर पेट्रोल का पावर टू वेट रेशियो 13% और टॉर्क टू वेट रेशियो 16% ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण है डिजायर का वजन जो ऑरा से लगभग 150 किलो हल्का है। यह मारुति ने मुमकिन किया है उनके के हाई स्ट्रेंथ हाईटेक प्लेटफॉर्म डिजाइन की बदौलत से। पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो ज़्यादा होने की वजह से डिजायर पेट्रोल में चालक तेज़ी से एक्सलेट कर सकता है और शहरी ट्रैफिक में आराम से गाड़ी को कभी कभी दूसरे गियर में भी निकाल सकता है। उदाहरण के तौर पर डिजायर में आप 0 to 100 की रफ्तार पकड़ने में 11 सेकंड का समय लगाते हैं और ऑरा में 2 सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं। दोस्तों, आज डिजायर पे मारुति सुजुकी खास कार कंपेरोस के दर्शकों के लिए पूरे 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है। यह ऑफर सीमित समय तक ही है, इसलिए आप इसका लाभ उठाएं।
इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप सुजुकी डिजायर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर को जरूर लाभ उठाएं। बात करते हैं क्रैश सेफ्टी की। दोनों ही गाड़ियों के क्रैश सेफ्टी कुछ खास ऐसे नहीं है, लेकिन कहते हैं ना आंधों में काना राजा जैसी परिस्थिति है, क्योंकि ऑरा जो ह्युंडई की ग्रैंड एटन प्लेटफॉर्म पे बनी है वह लैटिन एनकैप के क्रैश टेस्ट में बुरी तरह से फेल होकर उसे 0 स्टार की शर्मनाक रेटिंग मिली हुई है। और दूसरी ओर मारुति के 2018 मॉडल के 2 एयरबैग वाली स्विफ्ट को ग्लोबल एनकैप में 2 स्टार की रेटिंग से नवाजा गया है, जो हम डिजायर से भी उम्मीद कर सकते हैं। 2 स्टार कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 0 स्टार वाली गाड़ी से तो बहुत ही अच्छी है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन और राइड क्वालिटी की। डिजायर और स्विफ्ट एक ही हाईटेक प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसकी चेसिस बेहद कड़ी और मजबूत है, और उसके साथ साथ मारुति का सस्पेंशन थोड़ा सख्त है। इन दोनों चीज़ों की वजह से डिजायर में बॉडी रोल या अंडरस्टीयर की परेशानी नहीं होती है। अंडरस्टीयर मतलब होता है कि गाड़ी तेज रफ्तार पर मोड़ लेते वक्त अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग सही दिशा में घूमने पर गाड़ी आपको रास्ते से पकड़ नहीं दे पाती, घुमावदार रास्तों पर फिसलने लग जाती है। दूसरी ओर ह्युंडई के बारे में सभी पहले से जानते हैं कि ह्युंडई का सस्पेंशन काफ़ी नरम होता है, जो साधारण गड्ढों को धीमी रफ्तार पर अच्छे से सोख लेता है, लेकिन रफ्तार बढ़ने पर ऑरा एक नाव की तरह डोलने लग जाती है, और मोड़ों पर ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील से कोई फीडबैक भी नहीं आता, जिससे ड्राइवर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं अंदरूनी जगह और कम्फर्ट की। माना कि डिजायर में ऑरा से तकरीबन 25 लीटर से कम बूट स्पेस है, लेकिन डिजायर में 5 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। इसका कारण है डिजायर की चौड़ाई, जो ऑरा से पूरे 2 इंच से ज़्यादा है, और ऊंचाई भी 0.5 इंच से ज़्यादा है। डिजायर में पीछे बैठने वाले यात्रियों को ऑरा के मुकाबले अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है, और डिजायर की पिछले सीट में ऑरा से 1 इंच ज़्यादा लेग रूम भी मिलता है, जिससे डिजायर अंदर से थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस लगती है। अब हम बात करते हैं डीजल और सीएनजी के माइलेज के बारे में। मारुति सुजुकी डिजायर डीजल मॉडल का ARS सर्टिफाइड माइलेज है 28.4 किलोमीटर प्रति लीटर, जो ऑरा डीजल से 3 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा भी है, और भारत में फिलहाल बेची जाने वाली सारी गाड़ियों से ज़्यादा है। हमारे असली परीक्षणों में हमें डिजायर डीजल मैनुअल से हाईवे पे 26 किलोमीटर प्रति लीटर और सिटी ट्रैफिक में 19 किलोमीटर प्रति लीटर का ज़बरदस्त माइलेज दिया, लेकिन जैसे ही आप सभी जानते हैं कि मारुति सुजुकी ने पिछले साल ही घोषित कर दिया था कि वह BS6 डीजल इंजन्स नहीं बनाएंगी और अपनी सारे डीजल इंजन्स वाले मॉडल्स अप्रैल 2020 से बेचना बंद कर देंगे। इस वजह से डीजल का मॉडल्स 31 मार्च 2020 के बाद नहीं मिलेंगे, तो अगर डीजल मॉडल खरीदना होगा तो जल्दी खरीद के, क्योंकि जल्द ही ये इंजन बंद होने वाला है। दूसरी बात, डिजायर और ऑरा दोनों गाड़ियों में CNG का विकल्प मौजूद है। डिजायर CNG का ARS माइलेज है 27.2 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑरा का ARS सर्टिफाइड माइलेज है 18 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन असली परीक्षणों में डिजायर से हमें 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला, जो ऑरा CNG से 4 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है। अब जाहिर है कि CNG होगी तो आपका सालाना गाड़ी चलाना भी ज़्यादा ही होगा, इसका मतलब सालाना 30 से 40 हज़ार किलोमीटर का, और वो भी 5 से 7 साल चलाने के हिसाब से ऑरा का CNG फिल्म पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन डिजायर CNG खरीदने में एक परेशानी है, ये सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ही उपलब्ध है, इससे निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा नहीं जा सकता। बात करते हैं दोस्तों बिजनेस के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदना की सोच रहे हैं तो डिजायर ही आपके लिए उचित पर्याय है, क्योंकि धंधे में पैसे कमाने के लिए सबसे ज़रूरी है ज़्यादा मुनाफा। डिजायर CNG का माइलेज ऑरा CNG से कम से कम 4 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है, और तो और डिजायर में आपको ग्राहकों को बैठने के लिए ज़्यादा आरामदायक जगह भी मिलती है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि अंतिम निर्णय की। ह्युंडई ने ऑरा में BS6 डीजल इंजन लगा दिया और मारुति के फिर से सोचने में मजबूत कर दिया, क्योंकि सारे दूसरे कार उत्पादक जैसे कि टाटा, महिंद्रा, फोर्ड भी 31 मार्च 2020 के बाद भी BS6 डीजल इंजन लाने वाले हैं। अब मारुति सुजुकी फिर से BS6 इंजन बनाने का सोच रहा है। कहा जा रहा है कि 2021 में मारुति सुजुकी उनका नया BS6 डीजल इंजन भारतीय मार्केट में उतारेगा। अगर डीजल गाड़ियों की बात छोड़ दें और आपका बजट 9 लाख तक का है तो, और आपका सालाना 10,000 किलोमीटर से भी कम गाड़ी चलाने वाले हो, तो ऑरा टर्बो पेट्रोल जैसे कोई गाड़ी नहीं, जिसमें आपको डिजायर से कई गुना ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 6 से 8 लाख रुपए के बीच हो तो ऑरा आपके लिए बेहतर पर्याय है, जिसका हर एक समान फीचर वाला वेरियंट डिजायर से 20-30 हज़ार सस्ता मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सेफ कर चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये चलाने में भी थोड़ा मज़ा है, तो डिजायर आपके लिए बेहतर पर्याय है।
डिजायर और ऑरा जैसी गाड़ियां हो और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात किए बगैर तुलना खत्म हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप शहरी ट्रैफिक में रोज घंटों बैठते हैं और क्लच गियर रगड़ने की झंझट से छुटकारा चाहते हैं तो AMT के पर्याय खरीदना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन ह्युंडई ऑरा में सिर्फ 3 ही वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का पर्याय उपलब्ध है। कहने के लिए तो ऑरा के कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं लेकिन उसके टॉप एंड मॉडल में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर डिजायर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 वेरिएंट्स में मिलते हैं जो 8 लाख से लेकर 11 लाख रुपए तक के जाते हैं। डिजायर के टॉप एंड वेरिएंट यानी कि ZDI प्लस में भी AMT का पर्याय उपलब्ध है। हमारे राय में ग्राहकों को डिजायर AMT मॉडल्स में खरीदने के लिए ज़्यादा पर्याय मिलते हैं जिससे डिजायर एक बेहतर पर्याय बन जाता है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ आपके सामने पेश है जिसका अवश्य लाभ उठाए और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए हैं।